और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर राजनाथ सिंह का नामांकन आज हुआ। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने की है पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, उनके साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ, और इस दौरान जुलूस के साथ नामांकन करने जाएंगे मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बात की जाए तो आज राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे, और इससे पहले राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की है। इतना ही नहीं, नामांकन के दौरान अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, जुलूस के साथ नामांकन करने जाएंगे मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे इस दौरान राजनाथ सिंह। और आज बात की जाए तो राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे, और नामांकन से पहले आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से पूजा करते भी नजर आए हैं राजनाथ सिंह। और बात करें तो जिस समय पर नामांकन करेंगे उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई दिग्गज भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, और आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। और नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की है, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, जहां पर जुलूस के साथ नामांकन करने के लिए जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की है, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे, और नामांकन से पहले अगर बात करें तो पूजा अर्चना करते भी नजर आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी नेता राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे, और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, और तमाम और भी दिग्गज नेता इस दौरान नामांकन के दौरान उनके साथ में नजर आ सकते हैं। तो लखनऊ से लोकसभा सांसद के रूप में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे, और 2014 में लखनऊ से अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले 2009 की अगर बात करें तो गाजियाबाद से भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और उसके बाद अब इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के लिए आज जाएंगे राजनाथ सिंह। और इतना ही नहीं, अगर बात करें तो राजनाथ सिंह यूपी बीजेपी कार्यालय से अपना पर्चा दाखिल करने जाएंगे, वहां से हो सकता है कि आज रोड शो भी करें, यानी कि एक जुलूस के साथ में आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं नामांकन से पहले की ये तस्वीरें, जहां पर राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, और अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी कार्यालय भी पहुंचेंगे, वहां से नामांकन करने के लिए रवाना होंगे, और उनके साथ में तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, और इस दौरान जुलूस के साथ नामांकन करने जाएंगे राजनाथ सिंह, और आज नामांकन करेंगे। और बात करें इस दौरान तो तमाम दिग्गज भी उनके साथ में नजर आएंगे जिस समय पर राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे, उनमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे जिस समय पर राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे। और आपको बता दें कि अगर बात करें इस दौरान तो आज नामांकन करेंगे राजनाथ सिंह, और लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और राजनाथ सिंह का नामांकन जुलूस इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकलेगा, और जहां पर ये अगर बात करें नामांकन जुलूस हजरतगंज के रास्ते परिवर्तन चौक से
और स्वास्थ्य भवन तिराहे तक ये पहुंचेगा और इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ होने की भी संभावना दौरान जताई जा रही है। और इसके लिए यातायात जो व्यवस्था है यानी कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उनको भी बदला गया है। सामान्य जो वाहन है वैकल्पिक जो रास्ते हैं उनसे वो जाएंगे। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन करेंगे और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम दिग्गज उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान आपको बता दें कि एक जुलूस के रूप में आज नामांकन करने के लिए राजनाथ सिंह जाएंगे जहां पर उनके साथ में तमाम जो दिग्गज हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज नामांकन करने के लिए जाएंगे राजनाथ सिंह। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और ऐसा भी आशंका जताई जा रही है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो इस दौरान नामांकन के दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और इतना ही नहीं जुलूस के साथ में नामांकन करने के लिए बीजेपी मुख्यालय से रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर बात करें तो आज बीजेपी उम्मीदवार के रूप में राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने पूजा अर्चना भी की और बीजेपी मुख्यालय से नामांकन के लिए रवाना होंगे। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जुलूस के साथ में नामांकन करने के लिए जाएंगे राजनाथ सिंह और नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी राजनाथ सिंह ने की। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रह सकते हैं। और अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, तो जुलूस के साथ नामांकन करने जाएंगे मंत्री राजनाथ सिंह। तो मनीष, आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है। मनीष, अगर बात करें, क्योंकि आज बीजेपी का अगर बात करें तो शक्ति प्रदर्शन भी दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि यही शक्ति प्रदर्शन को लेकर अगर बात करें तो आज राजनाथ सिंह नामांकन करने जाएंगे, तमाम दिग्गज उनके साथ में यहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, मनीष अगर बात करें, आपका सवाल मुझे नहीं सुनाई दिया है। हाँ बिल्कुल मनीष, मैं फिर से सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज राजनाथ सिंह नामांकन के लिए जाएंगे, दौरान दिग्गज भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और अब से कितनी देर के बाद में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं राजनाथ सिंह? देखिए, अब से जो सबसे बड़ी अपडेट है, राजनाथ सिंह जो कि सांसद हैं लखनऊ के और प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए हैं। दोनों सीएम, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, सीएम उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिनका इंतजार था सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इस जो ये रथ है, आप देखिए रथ भी धीमे धीमे मूव करने लगा है। तो तैयारी की जा रही है कि जिस तरीके से अब जो रथ में जो लोग चढ़ेंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम इस भव्य रथ में यहाँ से चढ़ते हुए नजर आएंगे। ये देखिए आप, जो रथ है वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब प्रक्रिया शुरू होगी, जब उन लोग को यहाँ से बैठाया जाएगा, उन लोग को यहाँ से लेके जाएगा। और करीब 12 बजे का समय है जब राजनाथ सिंह अपना बतौर उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में अपने प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे तैयार हो गया, कुछ देर में निकलेंगे राजनाथ सिंह और कुछ देर में निकलेंगे राजनाथ सिंह और उनके सहयोगी। जी,
बिल्कुल मनीष, अगर बात करें क्योंकि एक बड़ा जुलूस यानी कि पूरे तरीके से शक्ति प्रदर्शन की अगर बात करें बीजेपी की तरफ से वो नजर आएगा, ऐसे में रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, कहां कहां से ये गुजरेगा प्रदर्शन? जी देखिए, अगर आपको बताऊं रूट डायवर्सन को लेकर सिक्योरिटी को लेकर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद है, सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि इस समय देश के और प्रदेश के जितने भी वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। स्वयं रक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं, पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है वो यहाँ मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। रूट डायवर्जन सुबह 7 बजे से किया गया है, जो लखनऊ का जो विधानसभा का जो मार्ग है उसको पूरी तरीके से यातायात के लिए, आम यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पे आम यातायात को एकदम रोक दिया गया है, वहां से कोई नहीं आ सकता है। कलेक्ट्रेट तक का जो रास्ता है हजरतगंज से ले होते हुए और कैसरबाग जो स्वास्थ्य भवन है वहां से होते हुए जो आपका पूरा रास्ता है उन रास्ते को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पे कोई आम जो जनता है वो वहां नहीं जा सकती है। तो निश्चित तौर से पूरी तैयारी के साथ अब इससे यहां पे कुछ देर में जो ये रथ है ये निकलेगा और देश के रक्षा मंत्री और सांसद लखनऊ एक बार फिर से बतौर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से अपना नामांकन करने के लिए निकलेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया पे। न्यूज ऑन इंडिया के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। इंतजार किया जाए कि प्रदेश मुख्यालय से सभी जो वीवीआईपीज हैं वो अब यहाँ पे रथ पे आएंगे और रथ पे बैठ के फिर ये जो काफिला है जो रोड शो है यो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है और ऐसे में अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो एक बार फिर से यहां से नामांकन कर रहे हैं, पूरे तरीके से आश्वत नजर आ रही है बीजेपी यहां पर। आखिरकार लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ यहां पर समीकरण नजर आ रहा है मनीष? देखिए जो यहां समीकरण है उसकी बात करेंगे तो ये परंपरागत सीट रही है बीजेपी की और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से कई बार सांसद रहे, फिर उनकी जगह जब लालजी टंडन थे उन्होंने ये देखा था, फिर 2014-2019 में अगर आप बात करेंगे तो राजनाथ सिंह खुद यहाँ से सांसद है और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने के लिए जा रहे हैं। ये सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी के लिहाज से देखेंगे या फिर बीजेपी के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरीके से सुरक्षित सीट के तौर पे ये है, आपको यहाँ पे पूरा सुरक्षित सीट के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत या फिर कुछ तरीके से आपको यहाँ पे कुछ फाइट बहुत ज्यादा देखने नहीं मिल सकती है। शायद यही कारण है कि जब हमने नीरज सिंह से बात की थी जो कि बेटे तो आज राजनाथ सिंह नामांकन करने के लिए बस अब से ही थोड़ी देर के बाद में रवाना हो जाएंगे रथ से, और बात की जाए तो इस दौरान बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आएगा।